दिल्ली डायनामिक्स और लखनऊ लायंस के बीच आज पहला मुकाबला खेला जा रहा था आज के दिन का, एंड दिल्ली ये मुकाबला हार गई है। दिल्ली का होम ग्राउंड है, ईसीएल पूरी लीग दिल्ली के अंदर ही हो रही है, एंड इस लीग में पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है दिल्ली को। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके कप्तान की गैर मौजूदगी में टीम संभल नहीं पाई। सोनू शर्मा जी जो कप्तान है दिल्ली डायनामाइट्स के, वो आज का मुकाबला नहीं खेल रहे थे, एंड इसी कारण वह शायद उनकी टीम ना वो मोटिवेशन ला नहीं पाई, एंड पहले ही मैच में उन्हें हार झेलने को मिली है। लेकिन लखनऊ लायंस के लिए अच्छी बात है, पहला मुकाबला वो मुंबई से बुरी तरह से हार के आ रहे थे, एंड अब द्विवेदी जी के पास भी एक विक्ट्री है, अपने पास उन्होंने विक्ट्री रख ली है। लेकिन मैच कैसा हुआ जरा मैं आपको बता देता हूँ। इट वॉज अ लो स्कोरिंग मैच, 100 रन भी नहीं बना पाई थी दिल्ली पहले बल्लेबाजी करते हुए, एंड इस टारगेट को चेस करने में कोई भी आपत्ति नहीं हुई लखनऊ लायंस को। आकाश ने 13 बॉल पे 61 रन बना दिए, व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स दैट ही प्लेड, एंड इसी के चलते लखनऊ ने 4 ओवरों में 6 विकेट रहते हुए ये मैच जीत लिया है। लेकिन कुछ फैंस पूछ रहे थे कि यार रूल्स क्या है, हमें समझ नहीं आ रहे हैं, ये एक बॉक्स क्रिकेट से थोड़ा अलग है बिकॉज इट इज अ स्मॉल स्टेडियम, इट्स नॉट बॉक्स क्रिकेट। लेकिन आपको रूल्स बता देता हूँ, देखिए अगर ऊपर बॉल चली गई एंड हम ग्राउंड से कवरेज कर भी रहे थे तो ऊपर, अगर मैं आपको बता दूं, हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, सो इफ द बॉल टचेस द रूफ इट्स अ सिक्स नो मैटर द डिस्टेंस। अगर ऊपर लग के आके कैच भी कर लोगे ना तो भी वो छक्का ही माना जाएगा। इसके अलावा एक ना पावर प्ले के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि ग्राउंड तो बहुत छोटा है पर जैसे 30-yard सर्कल होता है ना, पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के होते हैं, 10 ओवर मैच में पहले 2 ओवर्स है पावर प्ले, दैट 30-yard सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इसलिए इतनी पिटाई होती है क्योंकि सारे फील्डर ज्यादातर अंदर ही होते हैं, लेकिन बहुत छोटी बाउंड्री है गाइस, सिंगल आते ही नहीं है, गेम सारा है ही सिक्सेस का, नॉट इवन फोर्स, इतने चौके नहीं लगते हैं जितने छक्के लगते हैं बिकॉज द ग्राउंड इज नॉट वेरी थिक। लेकिन एक पावर प्ले और आता है बीच में, वो पावर प्ले कब आता है, आप 7 ओवर से पहले एक बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं, एक ओवर की जब 3 फील्डर्स अंदर हो, सिर्फ 3 फील्डर्स बाहर हो सकते हैं, बाकी सारे फील्डर्स दायरे के अंदर बुलाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ फुटबॉल वाला रूल भी है, अंपायर्स रेड और येलो कार्ड्स दे सकता है, जो फुटबॉल में होता है ना कि आप बाहर जाइए और अगर आप बाहर चले गए तो आपकी टीम एक खिलाड़ी कम के साथ फील्डिंग करेगी, तो अपील करते हुए उत्साह भाई कम रखना, और क्रिकेट में यूजुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, देयर इज नो रेड और येलो कार्ड्स, एंड अगर 2 येलो कार्ड्स दे दिए तो भैया कप्तान पे भी बात आ जाएगी। लेकिन पहला मुकाबले की बात ये रही है कि लखनऊ ने मैच जीत लिया है, एंड दिल्ली ये मैच पहला, दिल्ली डायनामिक्स अपने होम ग्राउंड में पहला मैच हार गए।